मेरे चैनल पे जाइए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाय दोस्तों, फरिंस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन डोनट्स। चिकन डोनट्स के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, चलिए आइए देखते हैं। हमें चाहिए तेल, बॉईल किए हुए आलू, बोनलेस चिकन, अंडे, बारीक कटा हरा धनिया, मैदा, ब्रेड क्रम्स और दो स्लाइस ब्रेड के, नमक, चिकन मसाला, ब्लैक पेपर, रेड चिली सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची। सबसे पहले हम एक मिक्सर का बर्तन लेंगे, उसमें सारा चिकन हमारा हम डाल देंगे। चिकन मसाला डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर और नमक। नमक अपने हिसाब से डालिए। इसको हम पीस लेंगे। हो गया हमारा मसाला के साथ चिकन पीस कर। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। वही मिक्सर के बर्तन में बॉईल किए आलू डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, ब्रेड को इस तरह से पीस करके डालेंगे, दोनों स्लाइस डाल देंगे और इसको भी हम पीस लेंगे। हो गया हमारा आलू मिर्च और ब्रेड का मिश्रण रेडी। चिकन में हम इस आलू के मिश्रण को डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन आलू एक साथ अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिला लेंगे सारी चीजों को। हो गया हमारा मसाला रेडी। अब इसे हम एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक बाउल लेंगे, दोनों अंडे इसमें फोड़ के डाल देंगे। नमक डालेंगे, रेड चिली सॉस डालेंगे और अच्छे से अंडों को फेंट लेंगे। हो गया हमारे अंडे अच्छे से फेंट कर। अब इसको साइड में रख देंगे। हो गया हमारा एक घंटा। हमने फ्रिज से चिकन डोनट का मसाला निकाल लिया है। अब इसके हम डोनट बनाएंगे। दोनों हाथों में तेल लगा लेंगे, इस तरह से मसाला लेंगे, इसको गोल करेंगे और बीच में इस तरह से उंगली से डोनट का शेप दे देंगे। मैदे में इसको हम डिप करेंगे। मैदे की अच्छी चारों तरफ से
डोनट को कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम की भी कोटिंग कर लेंगे ताकि हमारे डोनट क्रिस्पी बने। अच्छा, चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे डोनट्स को रेडी करेंगे। हो गए हमारे सारे डोनट्स रेडी। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, इसमें तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। एक एक करके सारे डोनट्स हम इसमें डालेंगे और स्लो फ्लेम पे से फ्राई करेंगे ताकि हमारे डोनट्स अंदर से कच्चे ना रहे। स्लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है गोल्डन होने तक। पलटी कर लेंगे। इस तरह से अल्टी पल्टी करके हमें डोनट्स को फ्राई करना है। कलर भी चेंज होने लग गया है हमारे डोनट्स का। हो गए हमारे डोनट्स फ्राई। अब इसे हम निकाल लेंगे। सारे डोनट्स को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। हो गए हमारे चिकन डोनट्स रेडी। आप इसको टमाटो केचप, चीजी सॉस या कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। Thank you.